अवैध हथियार लेकर घूमने और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो बदमाशों को पकड़ने में बड़वा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शुक्रवार दोपहर में घर से बाहर ओटले पर बैठी बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीनने का प्रयास भी किया था। शनिवार को प्रेस वार्ता में टीआई प्रीतम सिंह ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार शाम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दशहरा मैदान गेट के पास एक व्यक्ति आने जाने वाले लोगों को देसी कट्टे की नोक पर डरा धमका रहा है। तुरंत ही पुलिस टीम को रवाना किया गया। मौके पर बदमाश तो नहीं मिला था, लेकिन पुलिस टीम तलाश करते हुए चोरल नदी की पुलिया के पास एक व्यक्ति को लोगों से बहस करते हुए देखा तो वह पुलिस को देखकर भागने लगा था। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर बदमाश को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना नाम बंटी उर्फ हिमांशु पिता घनश्याम तोमर बताया। तलाशी करने पर बंटी की लोअर की बाईं तरफ एक 12 बोर देसी कट्टा एवं दाहिने जेब से एक जिंदा कारतूस निकला। लाइसेंस का पूछा तो नहीं होना बताया गया। बंटी को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लाया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। कल एक हमारे यहाँ पीपल वाली गली कुमार मोहल्ला में एक चेन स्नैचिंग का प्रयास हुआ था, उसमें सूचना मिली थी। उसी कार्रवाई में तहत जब इन लोगों को जिन्होंने प्रयास किया था इनकी तलाश की गई तो फिर दशहरा मैदान के बाद सूचना मिली कि इन पे एक देसी हथियार लेके भी ये लोग लोगों को डरा धमका रहे हैं, तो पहले से भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। दशहरा मैदान गेट के पास एक इनमें से एक संदेही को पकड़ा, जिसके पास से एक अवैध देसी 12 बोर का कट्टा कारतूस के साथ मिला, जिस पर 25(1)(a)(27) आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मोटरसाइकिल से कल घूम रहे थे, मुखबिर द्वारा पता चला था, तो वो भी चोरी की निकली है, तो उसमें भी इनको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ एक बाल अपचारी है, उसको भी गिरफ्तार कर बाल न्यायालय पेश किया जाएगा। आरोपी हिमांशु पे पहले और क्या प्रकरण दर्ज? चोरी के प्रकरण दर्ज हैं, दो अपराध चोरी के पूर्व से भी दर्ज हैं। सर ये देख अभी तक तो रैंडम समझ में आता है कि भ्रमण कर रहे हैं और उनको लगा और उन्होंने प्रयास करने का प्रयास किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।